हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानिक भाटिया, एचओडी एफ्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं खाने के बारे में, तो ये टिप्स देखने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा, खाने की बेशक कई तरीके की वैरायटीज होती हैं, जिसमें से कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है और हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल खराब होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मेरी तरह हेल्दी हैं तो कुछ लोग ज्यादा खाने के बावजूद भी स्लिम रहते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों, कभी आपने सोचा है? ऐसा इसीलिए है कि हम ये जान ही नहीं पाते कि हमें कौन सा खाना किस मुताबिक खाना चाहिए। शुरुआत से हमारे वेदास में लिखा हुआ है कि राजा महाराजा अलग किस्म का भोजन खाते थे, ब्राह्मण अलग किस्म का, और जाति प्रजाति से हमारा भोजन बदलता आ रहा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसीलिए है कि भोजन का जो मूल्य है या उसको खरीदने की प्रतिस्पर्धा जो है, उससे हमारा भोजन खाने की मेन्यू प्लानिंग की जाती है। अगर मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं बहुत लैविश भोजन खा सकूं, तो मैं वो नहीं खरीद सकता। इसीलिए राजस भोजन का इन्वेंशन हुई इस दुनिया में, जो राजे महाराजे खाया करते थे, जैसे कि कुछ दूध से बनी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें वैल्यूएबल वेजिटेबल्स हुआ करते थे। राजा महाराजा लोग ये सब खा लिया करते थे क्योंकि उन्हें लड़ाइयाँ करनी होती थी, वॉरफेयर्स में जाना होता था, और सिपाही वगैरह भी इसका सेवन किया करते थे। इसीलिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण डिश का इन्वेंशन हुआ जिसे आज हम बिरयानी कहते हैं, जो लड़ाके खाया करते थे क्योंकि इसमें पूरा न्यूट्रिशन होता था। न्यूट्रिशन की पावर के साथ साथ वो जंग के मैदान में एफिशिएंटली लड़ाई करा करते थे क्योंकि ये कंप्लीट फूड है। साथ ही साथ ब्राह्मण लोग हमारा सात्विक भोजन खाते हैं। आपने देखा होगा, हम नवरात्र की पूजा करते हैं, वो सिर्फ पूजा ही नहीं दोस्तों, हमें सात्विक भोजन खाने की प्रेरणा देता है, जिससे हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है और हम एक्टिव महसूस करते हैं। इसी तरीके से कई रिलीजन्स में रोज़ा भी रखा जाता है और व्रत भी रखे जाते हैं। तो यही चीज़ और प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए लोग अपना ब्लड प्यूरिफाई करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिससे हमारी बॉडी एक्टिवेटेड रहती है और हमेशा थिंकिंग पॉजिटिव रहती है दोस्तों, हमारे सेल्स रिन्यू होते रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं दोस्तों, हमें ये जानने के लिए कि हमारे भोजन की कई कैटेगराइजेशन होती हैं। आज हम उसको चाहे जंक फूड का नाम दें, या मैदे से बना हुआ खाना, या ऐसा खाना जो हमारे सेल्स को डेड कर देता है, वो खाना बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है मेरे दोस्तों। जैसा हम खाते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर हम सही तरीके से खाना खाएं तो हम सोच भी अपनी पॉजिटिव कर सकते हैं, और सही समय पे खाना खाएं तो हमारा वजन और हमारी थिंकिंग बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे नहीं कहते कि हमारी बॉडी किचन में बनाई जाती है, ना कि जिम में। मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स खाने से रिलेटेड देता रहूंगा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी और निखर के आए। तो और टिप्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े दोस्तों, एफ्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। थैंक यू सो मच।